able to do physical work. My gardening, I've increased my gardening and lot of stuff. जब मैंने शुरू किया था ये कुंभ, तो उस समय मेरे को नींद की बहुत प्रॉब्लम थी। मेरी नींद बिल्कुल ठीक हो गई है, 99% जो है वो ठीक है। और अब मैं जो है दिन में बड़ी नेगेटिव थॉट्स आते थे बिल्कुल, और मेरी सांस भी आगे टूटती थी, लेकिन अब मैं कुंभक बहुत बढ़िया कर पाता हूँ जो है। बहुत फर्क है आगे से, लाइफ जो है बड़ी बढ़िया हो गई। I am doing this for last say at least 2 2.5 years and the result is fantastic. Basically जो नींद का प्रॉब्लम था वो तो ओवर हो गया है और सबसे ज्यादा जो आई वुड लाइक टू से कि आई यूज टू ड्रिंक थ्राइस एट लीस्ट थ्राइस अ वीक विच ऑलमोस्ट आई हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम और देर आर नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल. That is the main positive thing I would like to say. Baki everything is fine. The routine is fantastic. I used to get up daily at least before 5:30. I mean, roughly at around 5. And 10 baje to automatically neend aa jati hai. So I'm very happy with this Kumbhak. Thank you. अभी मुझे काफी अंदर से स्टेमिना अच्छा लगता है, बढ़ गया है काफी तो। और एक था कि पहले जैसे कोई मीटिंग वगैरह हो ना तो एक घबराहट सी होती थी, क्या बोलेंगे कैसे करेंगे, लेकिन अभी वो चीज जो एंजाइटी थी वो नहीं हो रही है, तो काफी कॉन्फिडेंट लगता है। ठीक है. गुस्सा भी बहुत कम हो चुका है मैडम. एनेक्सिटी वो जो पल्पिटेशन था वो सब चला गया है और खुल के खा रहा हूँ अभी. इस बहुत दिन से इस पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे कि ये मत खाओ वो मत खाओ वो मत खाओ. अभी मस्त मीन्स सब कुछ खाने लगा हूँ मैडम. 1 साल से कर रहे हैं लगातार नॉन स्टॉप, एक दिन भी रुका नहीं है कभी। फायदा बहुत हुआ, नीपेन कर करीब करीब 75% ठीक हो गया है। लग रहा है कि ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट। Nowadays, I have no negative thoughts not come. I am very fine. My pressure BP level is low. I have more confident. My sleeping problem is completely solved. If I get into the bed, I will still get sleep. Otherwise, I am feeling very good. वन ईयर, 1 साल मुझे भी हो गया ऑलमोस्ट, और काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। कहीं कहीं पे मैंने मिस्टेक्स बनाई हैं, जैसे काफ़ी बार मिस आउट हो गया है, थोड़ा सोशलिज्म ज़्यादा और शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक होने की वजह से, लेकिन फिर मैं अपने वापस अपने ट्रैक पे आ जाता हूँ। और मैम, मतलब कभी अटेंड नहीं भी करूँ तो ऐसा रहता है कि मतलब ये ग्रुप से जुड़े हुए रहना है, और हमेशा मतलब इस कुंभक को जैसे आपने बताया कि ये जीवन का हिस्सा ही बनाना है, कभी ऐसा नहीं। मैं कभी बाहर भी ट्रैवल करता हूँ तो टाइम निकाल के, अभी मेरे को सब योगा मैन बोलने लग गए हमारे कम्युनिटी वाले जो मुझे जानते हैं, तो मैं सुबह कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं अपनी प्रैक्टिस करता ही हूँ मोस्ट ऑफ द। मैडम, जिंदगी जीने का नजरिया बदल गया है। पहले एंजाइटी और स्ट्रेस में लाइफ था, क्योंकि पैरामीटर्स उस टाइप के थे। अब पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान नहीं जाता है, और इफेक्टिवली ब्लिसफुल जिंदगी है, और लगभग बॉडी में रिलीफ है, और हमेशा एनर्जी रहती है, और काम करने में मन लगता है। जब मैंने जनवरी फरवरी में जब इन्हें स्टार्ट किया था उससे पहले मैं रात को 3 4 बजे सोता था. मेरे सिर में बहुत दर्द होता था और मेरे ऐसा लगता है अभी मेरे को अटैक आ जाए अटैक अटैक आ जाए ऐसा लगता था. अभी ने इस अभी इतना मेरा शरीर भी बहुत हीट मारता था पूरा दिन रात को भी एकदम कूल हो गया है. बहुत ही बढ़िया लग रहा है मैडम जी. और एंग्जाइटी की दवाइयाँ? तो पूरी वो सब खत्म हो गई. बीपी की दवा भी खत्म हो गई एंग्जायटी की दवा भी खत्म हो गई. अभी सर एकदम मेरा कूल हो रहा है एकदम कूल हीट भी नहीं मार रहा है. मैंने तो अभी 4 5 ही महीने हुए हैं मुझे, लेकिन कुंभक से अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने अपनी, पहले तो ब्लड थिनर बंद कर दी, उसके बाद मैं अपनी कोलेस्ट्रॉल की बंद कर दी, और अब मैं बीपी की भी बंद कर चुकी हूँ। क्योंकि पहले मैं डरती थी कि इसको बंद करूंगी तो क्या होगा, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है, एनर्जी भी अच्छी है, फील भी गुड है, तो
मैंने मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी है और कुंभक पे भरोसा कर रही हूँ मैं। पहले मेरा बार बार गला खराब होता था, जैसे अभी भी थोड़ा सा है, तो मौसम चेंज होता था तो, लेकिन मैं मेडिसिन खाती थी, एंटीबायोटिक खाती थी, अभी कुछ लिया नहीं है मैंने और ठीक है। आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर एंड माय शुगर लेवल विद मेडिसिन एंड विदाउट मेडिसिन इज एट द सेम लेवल एंड आई एम ईटिंग डेली सम स्वीट थिंग एंजॉइंग एवरी फूड डूइंग माय प्रैक्टिस रेगुलरली। थिंग इज फिजिकल एंड हेल्थ वाइज तो इट्स और एक्चुअली ऑलवेज इट्स बेटर बट आई केम विद इमोशनल बैकग्राउंड एंड इट हैज रियली हेल्प really means I cannot explain how much I've become a very strong person emotionally I've become very strong and I have learned to tolerate my mental agony everything tolerance capacity has really it's that if you leave physical thing emotionally and everything it has helped me from all respect each and every respect it's very very helpful I can say that it has helped me from everywhere अप्रिशिएट करने के लायक है मैडम ये आपका अस्थि का चैनल और बहुत अच्छा लगता है। नींद बहुत अच्छी हो गई है जैसे कि पहले खुलती रहती थी अब एक बार 10 बजे सोने के बाद सीधा 4 बजे ही उठती हूँ और बहुत बेनिफिट लगा है मैंने तो बहुत सारे लोगों को इसके एडवांटेज भी बताए हैं और आई थिंक कि इसको कंटिन्यू ही करना चाहिए पूरी लाइफ। कुंभक से पहले जिंदगी चल रही जैसे हम गजीब रहे हैं अब कुंभ करने के बाद अब फ्री हम शरीर का पूरा कंट्रोल है हर चीज अच्छी अच्छी लगती है। मैंने सब अपनी गोली छोड़ दी है बीपी शुगर की सब बहुत जिंदगी एक अलग सी हो गई फिर अभी पैदा हुआ ऐसा नहीं होता है। I find that my energy level has gone up substantially. I'm feeling more active and like I try to walk at least 10,000 steps a day but even at 20-25,000 like I find that I don't feel any weakness at all.